जामिया मिल्लिया इस्माइलिया विद्यालय में छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता और बेकसूर छात्रों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में छात्र छात्राओं ने खरगोन शहर में रैली निकाली। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपा और तत्काल दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने और बेकसूर छात्रों को रिहा करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में नागरिक संशोधन बिल का शांति के साथ विरोध कर रहे थे। छात्र छात्राओं के साथ दिल्ली पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ मारपीट की और विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ की है तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और बेकसूर छात्र छात्राओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है, उन्हें हिरासत में लिया जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया और उनको मारा पीटा गया, इसके विरोध में हम लोग जो है रैली के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो ये है कि उन पुलिस कर्मियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ बेवजह मारपीट की। क्या नाम आपका? वरीशा खान। देखिए, खरगोन के कुछ स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि जो दिल्ली में नागरिकता संशोधन बिल के बाद जो है कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसे जो है राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई, बेरहमी से उन्हें जानवरों की तरह मारा गया, लाइब्रेरी में घुसकर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई, इसकी हम कड़े तौर पर मजम्मत करते हैं। यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की ओर से, हम खरगोन यूनिट की ओर से उसकी कड़ी और बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि जिस तरह से उन लोगों ने, दोषियों ने जो काम किया उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर क्या और उग्र आंदोलन करेंगे क्या? उग्र आंदोलन की तो बात ही नहीं है, एक संविधान दस्तूर है जो हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी बात रखें। हम आईन और दस्तूर के मुताबिक जो भी होगा संवैधानिक रूप से ऊपर, अगर हमको जो आगे प्रदर्शन करना होगा बिल्कुल करेंगे, उसके लिए बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम अपने हक की बात करते हैं, जो आईन जो हमारा संविधान बना हुआ वो हमको इसका अधिकार देता है कि हम अपनी बात रखें। संवैधानिक रूप से हम हर तरीके से अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। पुलिस कहती है कि स्टूडेंट्स ने पथराव किया और स्टूडेंट कह रहे हैं कि पुलिस ने पथराव किया, क्या लग रहा है आपको? बाकायदा जांच होना चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाकायदा वीडियो आ रहा है, सच्चाई बताई जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम, उन्होंने जो है ट्वीट किया है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता, मीडिया कर्मियों ने अपनी भूमिका निभाना चाहिए, जिस तरह से निभाते आ रहे हैं। संदेहपस्त है मीडिया प्रेमियों की, सिर्फ गिने चुने चैनलों को देख लिया जाए, एक दो चैनल है जो दिखा रहे हैं, बाकी चैनल कोई नहीं दिखा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, मीडिया इस देश का, इस मुल्क का चौथा स्तंभ है, उसको अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।